एज 11 से। आप देख रहे हैं हम अभी फेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगैया ग्राम में, यहाँ बगैया हाई स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें बाहर से आए प्रवासी को रखा गया। इसमें हम आपको बात कराते हैं पोखराहा पंचायत के सचिव राम विनय शर्मा से। बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो हम कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है, फिर भी यहाँ की सुविधाओं के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा आपको। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में सभी पंचायत स्तर पर एक क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण कराया गया है। इसके पूर्व प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे जो संचालित हैं भलीभांति, लेकिन वहाँ जगह की कमी के कारण और जितनी संख्या में प्रवासी मजदूर तेजी से यहाँ आ रहे हैं उसको देखते हुए यह महसूस किया गया कि एक बड़े पैमाने पर हर पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए, और इसी निर्देश के आलोक में पोखराहा पंचायत के इस बगैया ग्राम में रामरक्षा उच्च विद्यालय बगैया को क्वारंटाइन सेंटर के लिए चिन्हित किया गया है। और आज ही विभिन्न राज्यों से लगभग 35 मजदूर प्रवासी आम नागरिक आए हैं, जिनकी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। सबों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, की गई है। कल से विधिवत इस सेंटर का संचालन हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे पोखराहा पंचायत के सचिव राम विनय शर्मा के कुछ बयान। आप देखते रहिए एटीएच न्यूज 11। मैं गौतम कुमार, औरंगाबाद विधानसभा रिपोर्टर, धन्यवाद।